दोस्तों अगर आपके पास एक गेमिंग यूट्यूब चैनल है और उस चैनल पे आप वीडियोस अपलोड करती हो मगर आपका जो वीडियोस है उतना बढ़िया नहीं होता है, आप वीडियो को अच्छे से बना नहीं पाते हो जिसके वजह से ऑडियंस आपका वीडियो को नहीं देखता है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है तो इस मोबाइल फ़ोन से कैसे आप एक प्रोफेशनल गेमिंग वीडियो बनाओगे, वो भी बड़े यूट्यूबर की तरह लाइक टेक्नो गेमर, देसी गेमर, कैरी मिनाटी, मिथपैड और भी बहुत सारा गेमिंग क्रिएटर देखने को मिलेगा यूट्यूब पर। स्टार्टिंग में ये सारा क्रिएटर अपने मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो बनाता था, तो आप कैसे बनाओगे इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। देखो मोबाइल फोन से आप तीन तरीके से गेमिंग वीडियोस बना सकते हो। पहला जो है आपने यहाँ पर गेम प्ले रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद एडिटिंग करते के टाइम आपको वॉइस ओवर करना है। तो गेम प्ले कैसे रिकॉर्ड करना है, गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप आपके पास होना चाहिए। देखो आज के टाइम पर मार्केट पर आपको बहुत सारा स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप देखने को मिल जाएगा मगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ आपके डिवाइस के अंदर जो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप है, जो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप है, तो उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप के अंदर जाना है और यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा रिकॉर्ड सिस्टम साउंड। बहुत सारा मोबाइल के अंदर इंटरनल साउंड करके भी ऑप्शन रहता है, तो रिकॉर्ड सिस्टम साउंड का मतलब क्या है, गेम के अंदर जो साउंड है अगर आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसको ऑन करना पड़ेगा। नीचे का ऑप्शन देखने को मिलेगा रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो बाहर का जो साउंड है जो भी आप बोलोगे वो सारा चीज़ भी रिकॉर्ड होने वाला है। तो यहाँ पर दोनों को ऑन करने के बाद गेम का साउंड भी रिकॉर्ड होगा एंड माइक का जो साउंड है वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड होने वाला है। तो अगर आपको सिर्फ गेम का साउंड चाहिए, माइक का साउंड नहीं चाहिए, जो भी आप बाहर का साउंड है जो भी आप बोलोगे वो चीज़ नहीं चाहिए, तो इसको आपको ऑफ कर देना है। जैसे आप माइक्रोफोन साउंड को ऑफ कर दोगे तो बाहर का जो साउंड है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर गेम का साउंड रिकॉर्ड होने वाला है। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा रेजोल्यूशन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर हाई पे रख सकती हो। अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ मीडियम पे यहाँ पर रख सकती हो, तो मेरा एक हाई एंड डिवाइस है तो इसको मैं हाई रखता हूँ। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा फ्रेम रेट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 60 FPS, 30 FPS, 24 FPS, 15 FPS आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ अगर आपका डिवाइस अच्छा है तो आप यहाँ पर 60 FPS पे आपका गेम को रिकॉर्ड कर सकते हो, और अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ ऊपर वाला जो ऑप्शन आ रहा है डायनामिक, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर फ्रेम रेट यहाँ पर सेट हो जाएगा, तो मैं 60 FPS यहाँ पर रखता हूँ। तो ये सारा सेटिंग आपके यहाँ पर रिकॉर्डिंग के अंदर कर लेना, और जो भी रिकॉर्डिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ये सारा सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसको करने के बाद क्या करना है, आपका रिकॉर्डिंग को ऑन करना है और गेम को ओपन कर लेना है। जैसे आप गेम को ओपन कर लोगे आपका गेम को यहाँ पर स्टार्ट कर देना, तो जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हो रिकॉर्ड यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एडिटिंग के अंदर जाकर आपको वॉइस ओवर करना है, जो भी आप वॉइस ओवर करना चाहते हो, जो भी आपका कंटेंट है उस हिसाब से आपको जाकर वॉइस ओवर करना है। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप वॉइस ओवर कर सकते हो। तो पहला जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का जो काम है वो यहाँ पर हो चुका है। दूसरा जो मेथड है गेम रिकॉर्ड करने का, इसके लिए आपके पास दो मोबाइल होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ आपके घर पर अगर मोबाइल पड़ा हुआ है तो उस मोबाइल को आप ले सकते हो 1-2 घंटे के लिए, या फिर अगर आपके फ्रेंड के पास मोबाइल है उनसे आप मांग सकते हो 1-2 घंटे के लिए, मना नहीं करेगा, आपको दे देगा। बस आपको क्या करना है, ऑडियो को रिकॉर्ड करना है, या फिर अगर आपके घर पे कोई पुराना वाला मोबाइल है तो उस मोबाइल को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले करना क्या है, आपका जो मोबाइल है तो इस मोबाइल पे गेम खेलना है एंड गेम खेलते के टाइम रिकॉर्डर को ऑन करना है, जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको ऑन करना है एंड आपके मोबाइल पर जो हेडफोन का पोर्ट है इसके अंदर हेडफोन ऐड करना है। जिस तरीके से आप हेडफोन लगाकर गेम खेलते हो सेम आपको गेम को खेलना है, बस इस मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को ऑन कर देना है। उसके बाद आपका जो सेकेंड मोबाइल है इस मोबाइल को लेना है और इस मोबाइल पे आपको एक रिकॉर्डर ऐप आता है जहाँ पर सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड होता है, तो उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आपके पास वो एप्लीकेशन नहीं है इस मोबाइल पर तो क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाकर आपको सर्च करना है ऑडियो रिकॉर्डर ऐप, तो बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा जिस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकती हो। बस उस एप्लीकेशन को ओपन करो एंड ऑडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। आप दोस्तों जब भी आप कोई भी चीज़ बोलोगे वो रिकॉर्ड होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और आपको क्या करना है इस मोबाइल पे गेम को खेलना है, अच्छे से गेम खेलना है। इसके लिए आपके अंदर थोड़ा बहुत स्किल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा नया नया क्रिएटर ये चीज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको गेम भी खेलना है उसके साथ साथ आपको कमेंट्री भी करना है, दोनों काम आपको एक साथ करना है। ये चीज़ यहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग का जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया आप वॉइस ओवर कर सकती हो। अगर आप गेम के अंदर अच्छे से बोल लेते हो, लोगों को हंसा लेते हो, तो आप ये काम कर सकते हो, बस इसको रिकॉर्ड करना है और यहाँ पर गेम खेलना है। अगर आपके पास माइक नहीं है
तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ एक बॉयाबाई M1 माइक परचेस कर सकते हो और इसके अंदर बॉयाबाई M1 माइक को ऐड कर देना, जिस तरीके से मैं अभी बॉयाबाई M1 माइक को यूज़ कर रहा हूँ। और बॉयाबाई M1 का जो ऑडियो है वो काफ़ी अच्छा ऑडियो है, बस आपको अच्छे से ऑडियो को रिकॉर्ड करना है, वीडियो के अंदर अच्छे से आपको बोलना है एंड गेम को अच्छे से खेलना है, ठीक है। ये दो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरा एंड लास्ट जो मेथड है गेमिंग वीडियोस बनाने का, इसके अंदर आपको गेम भी रिकॉर्ड करना है, उसके साथ साथ आपका फेस का रिएक्शन भी यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, जिस तरीके से बड़े यूट्यूबर करते हैं। मतलब आपका आपके गेमिंग वीडियोस के अंदर आपको फेस कैम ऐड करना है, उसके लिए आपके पास दो मोबाइल होना बहुत जरूरी है, एक मोबाइल पे काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका सेकेंड मोबाइल है उस मोबाइल पे आपको ट्राइपॉड ऐड करना है एंड एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, उस एप्लीकेशन का नेम है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा से आपका वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और जो माइक का पोर्ट है उसके अंदर माइक ऐड करना, और आपका माइक आपके कॉलर पे यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद इस मोबाइल पे आपको क्या करना है, गेम को स्टार्ट करना है और आपको रिकॉर्डिंग ऑन कर देना है। उसके बाद आपको गेम खेलना है और यहाँ पर आप जो भी चीज़ करोगे, जो भी बोलोगे, जो भी आप रिएक्शन दोगे वो इधर रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। और आपका गेम भी यहाँ पर आप खेलोगे, ठीक है। इसके लिए आपके यहाँ थोड़ा बहुत स्किल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर फेस कैम रिकॉर्ड कर रहे हो, थोड़ा सा आपको नर्वस फील होगा स्टार्टिंग के टाइम पर। अगर आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ये चीज़ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गेम वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद आपको एडिटिंग करना है एंड अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से आपको गेमिंग वीडियोज़ को एडिट करना है, किस तरीके से बड़े यूट्यूबर उनका गेमिंग वीडियोज़ को एडिट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और जो भी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मोबाइल पे दिखाने वाला हूँ, ठीक। कोई भी पीसी का मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, कोई भी लैपटॉप का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों अभी मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ, तो आप VN से भी एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है 16:9 पे आपको प्रोजेक्ट लेना है, उसके बाद आपको मीडिया ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड जो आपने गेम प्ले रिकॉर्ड किया है उसको आपको ऐड करना है। तो मैं उसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ये रहा मेरा गेम प्ले, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले आपके गेमिंग क्लिप के अंदर कलर ग्रेडिंग करना है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा एडजस्टमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन। तो आपको क्या करना है, सेचुरेशन को हाई करना है, 40 के आसपास आपको यहाँ पर रखना है, तो मैं 40 के आसपास रखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पर कलरफुल हो चुका है। तो आपको सेचुरेशन को 40 के आसपास आपको यहाँ पर रखना है। नेक्स्ट आपको जो करना है, वीडियो के अंदर जो भी फालतू का पार्ट है उसको आपको ट्रिम करके डिलीट कर देना है। तो स्टार्टिंग का जो पार्ट है उसको मैं ट्रिम करके हटाने वाला हूँ। ऊपर आपको स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड मैं लेफ्ट साइड कट करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्लिक करता हूँ ट्रिम लेफ्ट। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड यहाँ पर काट चुका है। अगर आपको बीच में से काट करना है आपको स्प्लिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अगर आपको राइट साइड काट करना है तो आपको ट्रिम राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, देखो राइट साइड यहाँ पर काट चुका है। अगर आपने गलती से कोई भी चीज़ आपने एडिट कर लिया तो ऊपर आपको यहाँ पर अंडू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पर देखो आपका क्लिप यहाँ पर वापस हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप ये सारा चीज़ कर सकती हो। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अगर आप वीडियो के अंदर वॉइस ओवर करना चाहती हो उसके लिए आपको यहां पर रिकॉर्ड के ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप स्टार्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे आप जो भी बोलोगे वो रिकॉर्ड होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपके वीडियो के अंदर वॉइस ओवर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो प्रोसेस है, अगर आप फेस कैम ऐड करना चाहते हो, अपने फेस कैम वीडियो बनाया, तो उसके लिए क्या करना है, आपको लेयर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद मीडिया ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड जो अपने फेस कैम रिकॉर्ड किया था उसको आपको ऐड करना है। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ये मैंने एक रिकॉर्डिंग किया था, कट करता हूँ। देन यहाँ पर क्या करना है, जो भी फालतू का पार्ट आपको लगता है उसको ट्रिम कर दो एंड भाई लोग आपका वीडियो से आपका ऑडियो मैच होना चाहिए, मतलब आपको मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है भाई लोग वीडियो यहाँ पर अलग टाइम पे चल रहा है और आपका जो ऑडियो है वो अलग टाइम पे चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों आपको सही से मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ट्रिम करके डिलीट कर देता हूँ, इधर से मैं लेफ्ट साइड कट करता हूँ एंड इसको ड्रैग करके मैं इसको इस साइड लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने ड्रैग करके यहाँ पर कर दी। उसके बाद आपको जो काम करना है, जो बड़ा फ्रेम आपको देखने को मिल रहा है इसको आपको क्रॉप करके छोटा करना है, उसके लिए इसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रॉपिंग का, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको क्या करना है, अपने हिसाब से इसको आप क्रॉप कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप राउंड में भी आप कर सकते हो, बस आपको मास्क को ऑन करना है एंड यहाँ पर शेप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर काफ़ी सारा आपको शेप देखने को मिलेगा, अपने हिसाब से आप यहाँ पर शेप को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन इधर से बैक करता हूँ। आपका वीडियो को अच्छे से क्रॉपिंग करने के बाद आपको छोटा करना है,
उसके बाद जहाँ मन चाहे उधर आप इसको सेट कर सकती हो, इस साइड कर सकती हो, इस साइड कर सकती हो, नीचे कर सकती हो, तो अपने हिसाब से जहाँ मन चाहे उसको आप सेट कर सकते हो। तो मैं ऊपर यहाँ पर सेट कर देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद एक बार प्ले करके मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जिस तरीके से आप बड़े यूट्यूबर के वीडियोस में देखते हो, सेम भाई लोग आप इस तरीके से यहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हो। अभी दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर क्या करते हैं, जब भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताता है आप लोगों को, तो उनका जो फेस कैम है वो बड़ा हो जाता है। किस तरीके से बड़ा होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मान लो भाई लोग इस टाइम पर मेरा जो फेस कैम है वो बड़ा करना है, उसके लिए क्या करना है, क्लिप को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक की फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो बस उसके ऊपर क्लिक करो। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करो। एंड यहाँ पर भाई लोग आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है, अपने हिसाब से आप यहाँ पर जितना टाइम में आप यहाँ पर एनिमेशन देना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर गैप रखना। अगर आप ज़्यादा यहाँ पर बड़ा गैप करोगे तो एनिमेशन यहाँ पर धीरे से होगा, तो मैं यहाँ पर छोटा यहाँ पर गैप रखता हूँ। उसके बाद फिर से मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बड़ा करता हूँ कुछ इस तरीके, जिस तरीके से मैं बड़ा कर रहा हूँ आप यहाँ पर देखो, ड्रैग करके आपको बड़ा करना है। एंड जहाँ पर इसको आप रखना चाहते हो उसको उधर आप रख सकते हो। तो मैं इसको और ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ, तो मैंने इसको ड्रैग करके बड़ा कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे बैक करता हूँ, बैक करने के बाद एक बार प्ले करके मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से एनिमेशन हो रहा है। आप यहाँ पर देखो, आपने भी देखा होगा इस तरीके से बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियोस पर एनिमेशन यहाँ पर चलता है। तो इस टाइम पे अगर आप कुछ बोल रहे हो तो इसको आप दिखा सकते हो ऑडियंस को बढ़ा करके। एंड अगर आपको सेम पोजीशन पे फिर से आपको लेकर जाना है, फिर से इसको सिलेक्ट करो। देन आपको क्या करना है, आपको फिर से आपको की फ्रेम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर से प्लस के ऊपर क्लिक करना है एंड थोड़ा सा आपको गैप देना है, फिर से आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है। पहले जिस तरीके से था उस तरीके से आपको छोटा करना है। देन आपको क्या करना है, ड्रैग करके फिर से उस जगह पर आपको रखना है, ठीक है। तो मैं सेट कर देता हूँ और फिर से मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से ये छोटा हो रहा है। आप यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपके वीडियो के अंदर आपका जो फेस का जो रिएक्शन है उसका एनिमेशन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपके वीडियो के अंदर टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो, कैसे करोगे, तो लेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर वाओ ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉन्ट देखने को मिलेगा, जो भी फॉन्ट आप रखना चाहते हो उस फॉन्ट को इधर से आप सेट कर सकते हो, या फिर आप फॉन्ट को इधर से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ एंड इसका कलर को मैं चेंज करने वाला हूँ। कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड ग्रीन कलर मैं सिलेक्ट करता हूँ। देन कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने कलर चेंज कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, आउटलाइन देखने को मिलेगा, शैडो देखने को मिलेगी, सबसे आप यहाँ पर रख सकते हो। मैं यहाँ पर सेंटर पे इसको सेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारा एनिमेशन वगैरह देखने को मिलेगा। इस तरह का आप यहाँ पर एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकती हो, आपके वीडियो के अंदर मीम्स वगैरह ऐड कर सकती हो। तो कुछ इस तरीके से आपका वीडियोज़ को आप एडिट कर सकती हो एंड इस तरीके से बड़े बड़े यूट्यूबर उनका वीडियोज़ को एडिट करते हैं। तो वीडियो एडिट करने के बाद भाई लोग क्या करना है, वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ अपने हिसाब से आप फ्रेम रेट सिलेक्ट कर सकती हो, आप रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सेव एज वीडियो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपका वीडियो को सेव कर लो। तो कुछ इस तरीके से आपका वीडियोस को एडिट भी कर सकते हो। तो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिला है एंड आपको सीखने को मिला किस तरीके से गेमिंग वीडियोस बनाया जाता है, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, और मैंने आप लोगों को एडिटिंग भी यहां पर सिखा दिया। तो इस तरीके से आपका वीडियोस को बना सकते हो एंड एडिट भी कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।